हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो फिर आ जाइए फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर करेंगे हरियाणा की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड MCQs, ठीक है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बुक मैंने जिससे ली है ये HSSC CGL की बुक है, और जिससे मैंने ली है उसने पहले से ही सभी आंसर्स को टिक कर रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और मेरा काम है आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो आप लोगों को करवाने के लिए ही मैंने ये बुक उनसे ली है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए या आप अपनी तैयारी चेक कर पाएँ जैसे अभी आपने तैयार कर रखा है, ठीक है। तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला कौन सा बड़ा राज्य है। मीन्स क्या है कि जो केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में जो योगदान देते हैं अपना, उनमें हरियाणा का कौन सा नंबर है? तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो हरियाणा का नंबर कौन सा है? सेकेंड नंबर है हरियाणा का द्वितीय। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में फसलों में विविधता हेतु किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? विविधता हेतु किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास गन्ना, कपास, तिलहन या फिर ये सभी। तो हरियाणा में इन सभी फसलों का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन तथा तिलहन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? हरियाणा का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर दलहन यानी दालें और तिलहन, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, ठीक है, वो उनका उत्पादक है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो हरियाणा का वो कौन सा क्षेत्र है जो दलहन और तिलहन का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस क्षेत्र में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती? कौन सा क्षेत्र है वो, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र? तो हरियाणा का वो क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जहां पर कपास उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी हरियाणा में पहली कृषि संगणना? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 1968 से 69, 1970 से 71, 1975 से 76, 1980 से 81। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब की गई थी पहली कृषि संगणना हरियाणा में? तो ये 70 से 71 की गई थी, 1970 से 71, 1990 से 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वर्ष 1966-67 में शुरू की गई हरित क्रांति के कारण हरियाणा प्रदेश में किस खाद्यान्न में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी? जो हरित क्रांति शुरू की गई थी 1966-67 में, तो उसके कारण हरियाणा प्रदेश में किस खाद्यान्न में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी? तो ये सबको पता है कि उस टाइम सबसे ज़्यादा जो अधिकता हुई थी खाद्यान्न की, वो गेहूं था, गेहूं की फसल थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है? हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 40%, 70%, 86%, 89%। तो हमारा ऑप्शन सी सही है कि 86% कृषि योग्य भाग भौगोलिक क्षेत्र का हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में चावल व गेहूँ की खेती की जाती है?
तो कौन से जो कृषि जलवायु है जहाँ पर चावल और गेहूं की खेती की जाती है, पूर्वी पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिण पश्चिमी है या फिर उत्तर दक्षिणी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, जो उत्तर पश्चिमी है वो जो कृषि जलवायु चावल व गेहूँ की खेती के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? जो हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी कृषि जलवायु है उसमें कौन सी खेती की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, उसमें फल एवं सब्जियां, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां या फिर ये सभी। तो जो दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु है उसमें ये सभी फसलें उगाई जाती हैं, सभी की खेती की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य कृषि फसल ऋतु कौन सी है? तो कौन सी है? अब हमें पता है कि हरियाणा में जो मुख्य कृषि फसल है वो रबी और खरीफ दोनों ही हैं, ठीक है, मुख्य पूछा है इसने, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल को आषाढ़ी फसल भी कहते हैं? आषाढ़ी, तो वो रबी की फसल को कहते हैं आषाढ़ी। ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल किस में माह में बोई जाती है, कौन से महीने में उगाई जाती है खरीफ की फसल? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त में? तो जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई गर्मियों में, जो कि अब बोई जा रही है ना, जो कपास वगैरह, तो ये खरीफ की फसल में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में डैश फसलें उगाई जाती हैं। अब देखो बरसात का मौसम कब आता है, ये जून जुलाई, जुलाई में अगस्त में तो बारिश होती है अपने यहाँ पे हरियाणा में, मानसून इसी टाइम तो आती है, तो बरसात के समय में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खरीफ की फसलों को डैश फसलें भी कहा जाता है। तो अब खरीफ की फसलें हैं, अब कौन सा सीज मौसम चल रहा है, तो ग्रीष्म मौसम चल रहा है, तो खरीफ की फसलों को ग्रीष्म फसलें भी कहा जाता है क्योंकि इनको गर्मियों में उगाया जाता है, ठीक है। बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है, खरीफ की फसलों को ग्रीष्म फसलें भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? आप देखो कौन सी, चावल, मक्का, ज्वार या फिर ये सभी? तो चावल, मक्का, ज्वार इन्हीं दिनों में बोई जाती है, ज्वार, मक्का, चावल वगैरह, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, बस आपको इतना याद रखना है कि जो खरीफ की फसलें हैं ना वो गर्मियों में उगाई जाती हैं और जो रबी की फसलें हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं, बस इतना ध्यान रख लो कि जो रबी है, क्योंकि रबी किसी का नाम भी तो होता है भाई, और रबी होता है ये रबी है, इसमें बै है उसमें वै होता है, लेकिन अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, जो हमारी डायलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो हम इसको रबी रवि नहीं बोलते, किसी को भी रबी ही बोलते हैं। अगर किसी का नाम रवि है तो हम उसको रबी ही बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि रबी सर्दियों में पैदा हुआ था, तो जो रबी की फसलें हैं वो सर्दियों वाली फसलें हैं और जो खरीफ की फसलें हैं वो गर्मियों वाली फसलें हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रबी जड्डे में पैदा हुआ था, ठीक है, रबी सर्दियों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 था क्या? निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है? भाई कौन सी नहीं है, जो हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है? अब देखो हरियाणा में गेहूं भी होता है, चावल भी, गन्ना भी, लेकिन चाय, वैसे भी चाय खाद्यान्न फसल हरियाणा में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे, सी हो जाएगा, नहीं पूछा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान पर रखती है?
तो हरियाणा में सबसे जो ज़्यादा उत्पादन फसल है वो कौन सी है? गेहूँ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम अनाज बैंक हिसार, पानीपत, भिवानी या फिर फरीदाबाद? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये पानीपत में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में, सोनीपत में या फिर भिवानी में? तो कहाँ है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी? कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने प्रतिशत गेहूं की फसल की सिंचाई की जाती है? 40%, 45%, 55% या फिर 60%? क्या पूछा है ना, हरियाणा में कितने प्रतिशत गेहूं की फसल की सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन डी है हमारा, 60% की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है हरियाणा को? पवित्र राज्य, मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि या फिर भारत की गेहूं की टोकरी? तो हरियाणा राज्य को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हरियाणा का शीर्ष गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? भी वो कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक गेहूं उत्पाद होता है? जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा? तो कहाँ होता है सबसे अधिक? सिरसा में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त किया गया? जो हरियाणा सरकार है उसने गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया? विक्रय कर, उत्पादन उत्पाद कर शुल्क या वैट या फिर ये सभी? तो वो कौन सा कर है जो वैट का कर है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध चावल होने के कारण सबसे अधिक चावल उत्पाद कहाँ होते हैं, जिसके कारण हरियाणा को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? करनाल, करनाल में सबसे अधिक चावल होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो करनाल को किस नाम से जाना जाता है? चावल का कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल विदेशों में निर्यात किया जाता है? बासमती चावल किस जिले में विदेशों में निर्यात किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? कैथल से, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे हमारा, कैथल। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में मक्का की खेती डैश के साथ भी की जाती है। अब मक्का की खेती किसके साथ की जाती है? ज्वार व बाजरा, गेहूँ व चना, ज्वार व चना, बाजरा व चावल? तो जो मक्का की खेती है वो ज्वार व बाजरा के साथ की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक जिला है? मक्का कहाँ कहाँ होती है भाई सबसे ज़्यादा हरियाणा में? तो वो होती है रोहतक में, ऑप्शन बी सही है हमारा, रोहतक में होती है। ठीक है, रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर ज्वार की पैदावार की जाती है? तो कितने भाग पर की जाती है? 32.25% या फिर 40.50% है, 55.10% है या फिर 58.10% है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही है कि जो है रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार क्षेत्र के लगभग 32.25% पर ज्वार की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अनाज को मोटा अनाज एवं निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है? मोटा अनाज,
ज्वार, जौ, बाजरा या फिर चावल। तो जो बाजरा है वो उसे मोटा अनाज और निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाजरा की खेती कितनी सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में की जाती है? बाजरा की खेती तो क्या है, 60 से 70 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर या 40 से 50 सेंटीमीटर। वैसे बाजरा की खेती को गेहूं के कंपैरिजन में कम पानी की या कम पानी की जरूरत होती है, तो यहाँ पे जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बाजरा की खेती को उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जहाँ से 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे बाजरा की खेती को उगाया जा सकता है। तो ये क्या है, ऑप्शन डी 40 से 50। हरियाणा में बाजरे की खेती कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? तो 40 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बाजरे का शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? बाजरा सबसे कहाँ ज़्यादा होता है, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम या फिर ये सभी? तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भारत के कुल बाजरा उत्पादन का कितने प्रतिशत बाजरा उत्पादित होता है? यानी कि हरियाणा में, हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ में भारत में जो कुल बाजरा होता है उसका कितना प्रतिशत भाग उत्पादित होता है? दे रखे हैं इसने 20.40%, 25.09%, 26.40%, 40.40%। तो क्या दे रखा है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे कि 25.09% पूरे भारत का कुल बाजरा उत्पादन का 25.09% भाग का जो बाजरा है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में जौ का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जौ कहाँ होते हैं अभी सबसे ज़्यादा, भिवानी, सिरसा, हिसार या फिर ये सभी पर? तो जो होता है सबसे अधिक भिवानी में, ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसकी खेती रबी व खरीफ दोनों फसलों में की जाती है? ऐसी कौन सी खेती है भाई जो रबी और खरीफ दोनों में की जाती है? चना, ज्वार, गन्ना, कपास? चना। इसमें तो ऑप्शन ए ही सही कर रखा है, चना। क्या ये रबी और खरीफ दोनों फसलों में आ जाता है? चना आता होगा भाई, मेरे को भी कंफर्म नहीं है। वैसे मेरे को इतना पता है कि जब गेहूं बोए जाते हैं ना, गेहूं कब बोते हैं, जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है नवंबर में गेहूं बोए जाते हैं, उसी के आसपास ये चना बोया जाता है। तो क्या ये दोनों फसलों में आता है? होप कि आता हो, ठीक है। तो हम इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है। बाकी देखो, अगर कहीं पे कोई ऑप्शन गलत दे रखा हो या फिर मेरे से कुछ गलत आंसर बता दिया गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। हाँ, उसको वेरीफाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है, और आपको सही आंसर भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? भी हरियाणा में सबसे अधिक चना कहाँ होता है? भिवानी में होता है, भिवानी, सिरसा, रोहतक, हिसार कहाँ होता है? भिवानी में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है हमारा, यहाँ पे भिवानी में होता है। हरियाणा के किस जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गन्ना कहाँ होता है? गन्ना यमुनानगर में होता है। पता है ना आप सभी को कि गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? यमुनानगर में, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, गन्ने की खेती के लिए कौन सी जलवायु सर्वोत्तम? आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु, आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु या फिर ये सभी? तो गन्ने के लिए कौन सी जलवायु सबसे बढ़िया होती है? जो उष्ण आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सी कपास का उत्पादन किया जाता है? अब देखो, कपास भी दो तरह की होती है। अगर आप कोई जैसे किसान फैमिली से हो तो आपने देखा होगा, एक तो वो कपास होती है, क्या बोलते हैं कपास को, बाड़ी बोलते हैं ना, बाड़ी वो रखी है,
एक तो वो होती है जिसके मतलब ऐसे मोटे मोटे फूल होते हैं, उनके अंदर वो कपास होती है, और एक क्या होते हैं बिल्कुल ऐसे लटकने लग जाते हैं, ज़्यादा वो ऐसे बिखरे हुए नहीं होते, जैसे चार पांच जो भी पार्टों में उसके फूल वो खिला होता है कपास का वो होता है, तो उसको बोलते हैं ना देसी अमेरिकन जापानी जो भी है। तो हरियाणा में है ना दोनों तरह की बोई जाती है, देसी भी बोई जाती है और अमेरिकन भी बोई जाती है। जो देसी जो बाड़ी होती है उसके पत्ते भी चौड़े चौड़े होते हैं, और जो अमेरिकन होती है उसके पतले पतले से पत्ते होते हैं, और ऐसे ही इनके जो फूल खिलता है ना उसमें भी फ़र्क होता है। तो जो लोग फसलें बोते हैं जिन्होंने देखा है वो अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सी देसी और कौन सी अमेरिकन है। ठीक है, तो दोनों तरह की कपास है जो हरियाणा में उत्पादन किया जाता है, दोनों तरह की कपास का, तो ऑप्शन ए से ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए और बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहते हैं। अब सफ़ेद सोना क्या है, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन। अब सफ़ेद क्या होती है, सफ़ेद तो कपास होती है, ठीक है, तो सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, कपास, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, वो कौन सा ज़िला है जहाँ सर्वाधिक कपास उगाई जाती है हरियाणा का, सिरसा, जींद, हिसार, भिवानी, कौन सा है, सिरसा, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, डैश तिलहन फसलों का एक उदाहरण है। अब तिलहन फसलें कौन सी हैं जिनसे वही तेल निकाला जा सके, तेल बनाया जाता है जिनसे, अब जई, जौ, सरसों, चना। अब देखो जई, जौ और चना से तो बनता नहीं है तेल, सरसों का तेल निकलता है, तो तिलहन फसल कौन सी है, सरसों, ठीक है, तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रमुख तिलहन सरसों जो है वो उत्पादक जिला कौन सा है, रेवाड़ी, करनाल, भिवानी या फिर ये सभी। तो सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, भिवानी में, ठीक है, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, तो किस जिले का दूसरा स्थान है, यानी कि भिवानी के बाद कौन सा जिला आता है जहाँ पे सरसों ज़्यादा उगाई जाती है, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद या फिर महेंद्रगढ़। तो भिवानी के बाद जहाँ सरसों सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो क्या है, महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में बागवानी फसलों के क्षेत्र में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है, बागवानी क्षेत्रों में, फल, सब्जी, मसाले या फिर फूल की। तो हरियाणा में जो बागवानी फसलों के जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे अधिक सब्जी की खेती की जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा हमारा। हरियाणा में सर्वाधिक फल उत्पादन किस जिले में होता है, सबसे अधिक फल कहाँ उगाए जाते हैं हरियाणा में, तो सिरसा में, ठीक है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस जिले की खेती की जाती है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है, तो कौन सा फल है वो, आम, अमरूद, आंवला या फिर संतरा। तो जो हरियाणा में वो सर्वाधिक क्षेत्र में जो फल आता है जिसकी खेती की जाती है वो है आम, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में आम का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, आप बताओ कि सबसे अधिक आम कौन से ज़िले में उगाया जाता है, करनाल, यमुनानगर, अम्बाला या फिर पंचकूला। तो ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, यमुनानगर में उगाया जाता है, ठीक है। हरियाणा में आम की बागवानी किस ज़िले में नहीं होती, आम कौन से ज़िले में नहीं उगता, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ में आम की खेती, जो आम की बागवानी है वो नहीं की जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का फतेहाबाद जिला किस फल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। अब फतेहाबाद में सबसे अधिक क्या होता है भाई, केला, सेब, अनार, अमरूद, पपीता व नाशपाती, नाशपाती, संतरा व अमरूद। तो फतेहाबाद में सबसे अधिक क्या होता है, केला व सेब उगाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, आंवला उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है। अब हरियाणा के किस जिले में आंवला उगाया जाता है, तो कहाँ पे उगाया जाता है आंवला, गुरुग्राम, अम्बाला, फरीदाबाद या फिर सिरसा में। तो आंवला उगाया जाता है सिरसा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक की जाती है,
तो हरियाणा में कौन सी सब्जी सबसे अधिक उगाई जाती है? आलू, मटर, टमाटर या फिर बैंगन? तो क्या उगाया जाता है? आलू, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? कौन सी वो फसल है जो मिट्टी की उर्वरता यानी कि जो उपजाऊ शक्ति है उसकी उसको बढ़ा देती है? टमाटर, गेहूं, शलजम, बैंगन। तो वो कौन सी फसल है? टमाटर। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्याज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? प्याज कहाँ उगाई जाती है? गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत या फिर सभी जगह पर? तो इन तीनों जगह पर प्याज उगाई जाती है, ये सभी डी ऑप्शन हो जाती है। नेक्स्ट है, डेस के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। भाई कौन सी वो फसल है या कौन सी वो चीज़ है जिसमें हरियाणा का प्रथम स्थान है, हरियाणा पहले नंबर पर है? तो वो क्या है? मसाले, मेवे, गोभी या फिर मशरूम? तो वो मशरूम है, मशरूम हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला कुंभी मशरूम उत्पादन में अग्रणी है? अब कुंभी कौन सी जगह ज़्यादा होती है हरियाणा में? अम्बाला, सोनीपत, सिरसा या फिर कुरुक्षेत्र में? तो जो कुंभी होती है जिसे मशरूम कहते हैं वो होती है सोनीपत में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? हल्दी, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र या फिर ये सभी? तो जो हल्दी है वो इन सभी क्षेत्रों पर उगाई जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में धनिया का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? धनिया, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार, जींद। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो फिर हरियाणा में जो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से फूल की खेती की जाती है? गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा या फिर ग्लैडियोलस? तो कौन सी की जाती है? ग्लैडियोलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हरियाणा में ग्लैडियोलस फूल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? पंचकुला है, सोनीपत है, करनाल है या फिर फरीदाबाद है? तो जो ग्लैडियोलस है या फिर रजनीगंधा है, तो ये जो फूल हैं ये सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होते हैं? कहाँ उगाया जाता है इनको? फरीदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन डी सी हो जाएगा हमारा। तो हम इसके बाकी क्वेश्चंस हैं जो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है या ज़्यादा ये सोचे कि हाई लेवल के हैं। और अब देखो हरियाणा की अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में कृषि तो आती ही है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे अर्थव्यवस्था की कृषि के, दो जो कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है जो वो अगली क्लास में करेंगे। आप ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।